हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। और आप देखिए कि 59 रुपए का 59 रुपीज का हमारा स्टॉक हो चुका है। 69 तक स्टॉक ने हाई लगाया था, उसके बाद लगातार यहां पर गिरावट हो रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहां तक गिरावट हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं जो प्रीवियस 52 वीक लो था जहाँ के बाद गिरावट हुई थी, यानी 52 रुपीज का जो एक लो हाई बनाया था इसने, देन वहां से गिरावट हुई थी इस स्टॉक में, तो वहां पर तो नहीं जा सकता है क्या ये स्टॉक हमारा। कितनी ज्यादा गिरावट और कितने दिनों तक और यहाँ पर गिरावट संभव है, क्या यहाँ पर बाय करना एक सही ऑप्शन हो सकता है, क्या कुछ बड़ी खबरें आई हैं, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट है, तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। तो जिस तरह का स्टॉक है हमारा, मजबूत स्टॉक है एंड लगातार यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आई थी पिछले दिनों, वॉल्यूम बहुत बेहतरीन आता है आप देखोगे तो, यहाँ पर स्टॉक में लगातार बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड किया जाता है। आज भी गिरावट के बाजार में 43 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड किया गया है। डिलीवरी परसेंटेज भी हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का काफी बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजंस की कि गिरावट क्यों हो रही है। 3 पॉइंट्स बात करेंगे हम कि गिरावट के रीजंस क्या हैं फर्स्ट बैंक लिमिटेड में, और क्या वो गिरावट के कारण जो है हमारे वो एक्सटर्नल हैं या फिर इंटरनल हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यही बता दूं कि फैक्टर्स जो है हमारे गिरावट के वो सारे ही एक्सटर्नल हैं, इंटरनली कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गिरावट हो रही हो। उल्टा बहुत सारी अच्छी खबरें दोबारा से आना स्टार्ट होंगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। अगर मार्केट सपोर्ट करता तो स्टॉक ने यहाँ पर हमारा 80 रुपीज के आसपास का हाई बनाया होता इतने दिनों में जब से गिरावट हो रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज सिचुएशन से हम कुछ अच्छी खबरों की बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं कि गिरावट क्यों हो रही है। तो सबसे पहला जो रीजन है हमारे गिरावट का वो है कि मार्केट में गिरावट है, उसको फॉलो करता हुआ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमारा गिर रहा है। आप देखोगे तो मॉर्निंग में ठीक ठाक मोमेंटम हमारा बाजार में आया था, यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी एक ठीक ठाक सा मार्क बना रखा था, सस्टेन कर रहा था हमारा स्टॉक, पॉजिटिवली सस्टेन कर रहा था, 61 के ऊपर बना हुआ था लगातार। बट वहां से जैसे ही आप देखिए 12:50 तक लगभग, और वही एक चीज हमें निफ्टी 50 के चार्ट में भी देखने को मिलती है कि 12:50 तक ठीक सस्टेन कर रहा था, उसके बाद एकदम से इसका सपोर्ट ब्रेक हुआ एंड डाउन ट्रेंड में आ गया। वही एक चीज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी देखने को मिलती है कि सपोर्ट ब्रेक हुआ एंड ये 58 तक का भी लो इस स्टॉक ने आज लगाया है। तो बहुत सारे रीजंस रहे हैं देखो यार कि स्टॉक मार्केट में अगर गिरावट होगी तो उसका एक असर हमें अपने छोटे मोटे स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत अच्छी रैली में था, बट वहां से जैसे ही मार्केट में गिरावट हुई, मैंने तब भी आपको कॉशियस रहने के लिए कहा था, यहाँ पर तभी बाय करना जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं रह गया था। मार्च जैसे ही फरवरी में कुछ खराब खबरें आना स्टार्ट हुई थी, आप यहाँ चार्ट में भी देखोगे कि लगातार ये तो साइडवेज की मूव में था स्टॉक हमारा, या फिर अब डाउन ट्रेंड में ही आ गया है। तो इसके पीछे की जो वजह है, सबसे बड़ी वजह यही है कि मार्केट में लगातार डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और उसका एक असर है जो हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलता है। दूसरी बात करें कि दूसरा क्या खबर है, तो देखिए कुछ दिनों पहले ही ओपेक का बड़ा स्टेटमेंट आया था कि लगातार आपको पता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ओपेक का स्टेटमेंट आया है कि हम प्रोडक्शन अपना अप्रैल के बाद ही या फिर अप्रैल में बढ़ाएंगे, और उसके साथ ही आज मॉर्निंग में जो खबर आई थी हमारी कि इंडिया जो है अब वो रियाद से जो ऑयल इंपोर्ट करता था वो नहीं करेगा, क्योंकि कुछ दिनों से रियाद में जो न्यू दिल्ली से फोन कॉल्स जा रहे हैं उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो रियाद से अपना ऑयल इंपोर्ट बंद हो जाएगा। साथ ही साथ ओपेक कंट्रीज में जो अभी इंपोर्ट मतलब ऑयल प्रोडक्शन ही चालू नहीं हुआ है, वहां पर तेज नहीं किया गया है, और उसके बावजूद जो अमेरिका का तेल आता है हमारा, उसके प्राइसेस काफी हाई हो चुके हैं, और भी जगहों में थोड़ा बहुत तेल आता है, बट जो मेन हमारा इंपोर्टिंग कंट्रीज थी वो यही थी ओपेक कंट्रीज, और वहीं पर अगर अब तेल में प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हमारे यहाँ पर बनेगी। तो अप्रैल में वो लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रोडक्शन, और वहीं से क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी देखने को मिलेगी, तो वो दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट है। तो वो फैक्टर रिजॉल्व होगा हमारा अप्रैल तक, तो उसमें उसकी वजह से फिर तेजी देखने को मिलेगी हमें स्टॉक मार्केट में, और वैसे ही फिर हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी रिकवरी आएगी उसके साथ साथ ही, ठीक है। अब बात करें कि एफआईआई और डीआईआई डेटा की। तो देखिए, जैसा मैंने बताया था पहले भी आपको कि मार्च का महीना एंड ऑफ द ईयर होता है हमारा, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है हमारा, और यही एक बड़ी वजह है कि डीआईआई लगातार यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, 562 करोड़ का माल बेचा था। अब देखिए कि सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, क्योंकि खरीदारी हो रही है, आप अगर नेट भी देखेंगे तो 2100 करोड़ के आसपास का माल खरीदा गया था कल के बाजार में भी, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है बाजार में।
तो उसके पीछे की जो बड़ी वजह है ये यही है कि ग्लोबल क्यूज हमारे बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं इस समय पर, चाहे अमेरिकन बाजार हो, जर्मनी का बाजार हो, यूरोपियन हो, एशियन बाजार, तो कहीं से भी बहुत पॉजिटिव खबरें आना आ नहीं रही हैं, जिसको देख करके इंडियन मार्केट में थोड़ा सा ढांढस बंधे। तो वही प्रॉब्लम है कि इंडियन मार्केट में तीन वजहों से गिरावट हो रही है, ये तीन वजहें मैंने आपको बताई हैं, और वही तीन रीजन है हमारे जिसकी वजह से आरबीसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का भी स्टॉक जो है हमारा वो गिरता हुआ दिखाई देता है। कुछ एक जो अच्छी खबरें हैं आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप लॉस में हो तो उनके लिए है, तो दो बड़ी खबरें मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि गिरावट की खबरें तो बहुत सारी हैं, कब तक ऊपर जाएगा इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या अच्छा है इसमें, निकलना है या नहीं निकलना है। तो देखो यार, टेक्निकल्स की बात नहीं करेंगे हम, चलते शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अपने। तो FII FPI ने लास्ट दिसंबर में अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया था, 11.23% था, 11.57% कर दिया था इन्होंने। म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की थी 2.67 से 2.85 कर दिया था। प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो अनचेंज रही थी, 40% ही रही थी। तो लगभग यहाँ पर जो आपका ही पैसा नहीं लगा है, बहुत सारे और भी बड़े प्लेयर्स का पैसा लगा है, और जब भी बड़े प्लेयर्स का, देखिए आपके पास हो सकता है कि संसाधन कम रहे हो सकता है कि आपने थोड़ा सा कम एनालाइज किया हो इस स्टॉक को, बट ये लोग तो पूरा एनालिसिस करके बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कम से कम थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखो, थोड़ा सा इनके ऊपर भरोसा रखो कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर रखे IFC फर्स्ट बैंक में, तो आप सेफ जोन में हो। क्योंकि एक जो अच्छी चीज है कि यार देखो, जैसे मार्केट में रिकवरी है, वैसे IFC फर्स्ट बैंक में भी मॉर्निंग के टाइम पर भी बहुत बढ़िया रिकवरी का माहौल देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये अच्छा है कि जैसी मार्केट हमारा रिकवर करेगा, और मार्केट रिकवर करेगा ये आपको भी पता होना चाहिए, मार्केट का ये नॉर्मल मोमेंटम है। लॉकडाउन हुआ वहां पर मार्केट ने कितनी ज्यादा गिरावट का माहौल दिखाया था, और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला तो कितना बढ़िया यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली। 38-39 हज़ार का हमारा सेंसेक्स हुआ करता था, अब 50,000 क्रॉस कर चुका है, अभी तो डाउन है बट क्या, अब 50,000 क्रॉस कर चुका था अभी पिछले दिनों। तो वो आप देखिए कि कितनी अच्छी खासी रिकवरी आई, तो ये एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पर अगर गिरावट है, और वो रिकवरी बहुत सारे लोगों ने मिस कर दी थी, तो ये रिकवरी आपको मिस नहीं करनी है, यहाँ पर आपको बने रहना है, यहाँ पर आपको बाय करना हो तो बाय करना है, या फिर आप होल्ड करो, सिंपली बाहर नहीं निकलना, लॉस बुक कर नहीं करना, लॉस बुक करोगे तो यहाँ पर फिर पछताना पड़ जाएगा। आप सिंपल देख सकते हो मार्केट में रिकवरी आती है उसका सीधा असर हमें IDFC फर्स्ट बैंक पर देखने को मिलता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमारा शेयर होल्डिंग देख लिया आपने, अब दूसरी जो अच्छी खबर है जो एक दिन पहले आई है उसकी भी बात कर लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक अलॉट्स 23 लाख इक्विटी शेयर्स अंडर ESOP। ESOP यानी कि एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम होता है, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान, कि कुछ एम्प्लॉयज को या फिर सिलेक्टिव मतलब सिलेक्टिव एम्प्लॉयज को या फिर सभी एम्प्लॉयज को इस प्लान के तहत शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, तो एक तरह से वो कंपनी के थोड़े थोड़े हिस्से के मालिक बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की खबरें भी काफी पॉजिटिव होती हैं, और इस तरह की खबरों का भी असर होना चाहिए मार्केट पर, बट वो नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो यही है कि यार देखो कि इस समय पर मार्केट में काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड है, आप नीचे भी पढ़ सकते हो, IDFC फर्स्ट बैंक अलॉट 7500 इक्विटी शेयर्स अंडर ESOP। तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें आना स्टार्ट हुई है IDFC फर्स्ट बैंक में, और उनका असर जो है हमें वो जल्दी ही इस स्टॉक पर देखने को मिलेगा। मेरी राय रहेगी कि अगर आप इस स्टॉक में बने रहते हो तो अच्छा खासा पैसा इस स्टॉक से निकाल करके लेकर जाओगे। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहे तो दोबारा से अच्छी रिकवरी इस स्टॉक में आएगी, और बढ़िया प्रॉफिट आपको कमाने का मौका मिलेगा वहां पर, ठीक है। इस समय पर अगर आप देखो तो स्टॉक हमारा बेरिश जोन में, तो शॉर्ट टर्म बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में आप इसमें बहुत बड़ी रिकवरी की उम्मीद ना करो तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम 1.5-2 महीना भी अगर रुकने का प्लान बनाते हो तो ठीक ठाक पैसा आपका इसमें बनेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, अच्छा पैसा बनेगा IDFC फर्स्ट बैंक में, यही मेरी राय रहेगी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू अगेन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना है, शेयर कर दिया करो अपने फेसबुक वगैरह पे। थैंक यू अगेन।